हे गाइस, आई एम रॉबिन बैक अगेन विद अनदर पार्ट ऑफ भूतिया दरवाज़ा पार्ट 4। तो अब हम चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, इतने में हमने देखा कि रोशनी होने लग गई, पर वो रोशनी नहीं थी, वो एक पहाड़ी के पीछे से रोशनी आ रही थी। पहाड़ी क्या, छोटी सी पहाड़ी थी, वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, आप ये कह सकते हैं टीला टाइप का। तो अब हम चारों गए और उस टीले के ऊपर खड़े होके हमने जैसे ही देखा तो दूर एक लंबा सा सांप था और उसके बगल में एक सफ़ेद रंग की चीज़ थी जिसमें से रोशनी निकल रही थी बहुत तेज। वो रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे सवेरा हो रहा है। हमने देखा कि वो जो सांप है उस रोशनी के उजाला में शिकार कर रहा है, कीड़े वगैरह खा रहा है छोटे छोटे। इतना हमने देखा और थोड़ी देर देखने के बाद उसने वो मड़ी लेके जैसे ही मुंह में दबाई तो वहाँ पे गुप्त अंधेरा हो गया। इतना देखना था हमारा, हम सब चारों घबरा गए। घबराने के बाद हम सीधे आगे की तरफ बढ़ने लग गए। हम लोग आगे की तरफ जैसे ही बढ़े तो हमने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक आग जल रही है, उस पर एक औरत झूला झूल रही है और एक आदमी पेड़ के ऊपर उल्टा लटका है, जैसे आपने विक्रम बेताल में बेताल को लटका हुआ देखा है, बिल्कुल सेम चीज़ थी वो। हम डरते हुए उन लोगों के पास गए, जैसे ही हम पास पहुँचे उनके, सो वो आदमी ऊपर से कूदा नीचे और कहता है, रास्ता भटक गए हो? हमने कहा, हाँ भटक गए हैं। तो आए क्यों थे जी इस जंगल में? हमने कहा, हम आए नहीं हैं, हमें भेजा गया है। कह लग गया, क्यों भेजा गया है? हमने कहा, हम लोगों से गेम खिलाया जा रहा है हाइड एंड सीक का। फिर मैंने उसने हिंदी में बताया, छुपम छुपाई का गेम। कह लग गया, अच्छा तो अब कहाँ जाना है तुम्हें? हमें कहा, हमें उस दरवाजे के पास जाना है जिस दरवाजे से हम वापस हवेली में चले जाएंगे। तो कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने में हम आगे बढ़ते हुए चले गए और वो औरत और वो आदमी हमारे पीछे पीछे चल रही थी। हमने कहा, आप पीछे पीछे मत चलिए, आप आगे आगे चलिए, हमें इस जंगल में कुछ नहीं मालूम। तो वो दोनों आगे की तरफ आ गए और हम चारों पीछे की तरफ। आगे चलते जा रहे थे, हमने देखा एक जगह और आग जल रही है, आग जल रही है और वहाँ पे कुछ काले काले आदमी औरत डांस कर रहे हैं आग के बगल में। हमने पूछा, ये क्या हो रहा है? कहने लग गया, आज अमावस की रात है और ये लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, अमावस की रात को ये लोग इस अमावस की रात को मनाते हैं इस तरीके से। हमने कहा, अच्छा क्या तुम लोगों को प्यास लग रही है? मैंने कहा, हाँ बहुत देर से लग रही है हम लोगों को प्यास। तो कहता है, चलो मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। हमने कहा, चलो। हम सब लोग उसके पीछे जाने लग गए। थोड़ी आगे बढ़ते हैं, एक मटका रखा था, वो कहता है, इस मटके में से पानी पी लो। हम लोगों ने तीन तीन गिलास वहाँ पे पानी पिया। पानी पी के उसने कहा, कुछ खाना है? मैंने इन बच्चों की तरफ देखा तो ये जैसे एक जीभ बाहर निकाल के खड़े थे, ऐसा लगा भूखे ही धरे थे। मैंने इशारा किया, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। तो ये लोग मान गए, कहते नहीं हम लोगों को नहीं खाना है चाचा, हमें नहीं खाना। हम लोग आगे बढ़ने लग गए उसी जंगल में। तब मैंने पूछा, तुम तो वो मुझसे पूछता है कि एक बार बताओ उस टीले की तरफ तुम लोग क्यों गए थे? हमने कहा कि वहाँ पे हमने उजाला देखा था तो हमने सोचा सवेरा हो गया है तो हम उस साइड जाके देख रहे थे। कहने लग गया, क्या देखा वहाँ पे? हमने कहा, कुछ नहीं देखा हमें। कहने लग गया, झूठ मत बोलो, सच्चाई बताओ। हमने कहा, एक सांप देखा जिसके सामने सफ़ेद रंग की चीज़ रखी थी जिससे वो शिकार कर रहा था। कहने गया, वो सफ़ेद रंग की चीज़ मड़ी थी। हमने कहा, अच्छा मड़ी ऐसी होती है? कहने गया, हाँ ऐसी ही होती है मड़ी।
वो औरत बोलती है, अपना किस्सा भी तो बता दो आप। वो पति बोलता है, अरे छोड़ो क्या बताना। वो औरत कहती है, बता दो। तो आदमी कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने कहा क्या? कह रख गया, वो जो मड़ी वाला सांप तुम्हें दिखा था, वो सांप की मड़ी एक बार मैं लेके भगा। मैंने कहा कहाँ भगे? कह रख गया, जहाँ हम लोग ये और मैं ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ था और ये झूला झूल रही थी, वहाँ तक मैं भाग के आया। वहाँ पे एक कुआ है, उस कुएं के अंदर मैंने छलांग लगा दी। मैंने कहा क्यों? कह रख गया, वो सांप मेरे पीछे रेंगता हुआ आ रहा था, तो मैंने उस कुएं में छलांग लगा दी। अच्छा, मैं एक विद्या जानता हूँ। मैंने कहा क्या विद्या जानते हो आप? कहने लग गया, मैं एक विद्या ये जानता हूँ कि मैं पानी को बांध देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह लग गया हाँ। कह लग गया, मैं पानी को बांध देता हूँ, तो जैसे ही मैं पानी के अंदर मैंने छलांग लगाई, तो मैंने मंत्र जप के वो पानी बांध दिया, तो वो सांप अंदर नहीं आ पा रहा पानी के, तो उसने वहाँ पे फन मारा। फन मारने के बाद एक चीख लगाई उस सांप ने। जब उसने चीख लगाई तो वहाँ पे हजारों सांप आ गए उसकी चीख लगाने के बाद, और मैं पानी के अंदर था। फिर उसने दोबारा से फन पटका और एक बार और चीख लगाई, तो उन सांपों के बीच एक बड़ा सा सांप आया उसमें ही, और उस बड़े के सांप के ऊपर एक छोटा सा सांप बैठा था जिसे तक्षक कहते हैं। वो सांप ने पानी के पास आके फुसकारी मारी। जैसे ही उसने फुसकारी मारी तो पूरा पानी उबलने लग गया, और पूरा पानी उबलने लग गया तो मेरी टांगे, उसने इतना कहने के बाद सीधे लुंगी उठाई और कहता है ये देखो, उसकी टांगे बिल्कुल कोयले जैसी काली थी। कहता है ये मेरी टांगे जल गई पूरी। मैंने कहा किस चीज़ से जल गई? कहने लग गया पानी उबलने लग गया। पानी उबलने लग गया जब, तो मैंने वो मड़ी लेके बाहर फेंकी। जैसे ही मैंने मड़ी बाहर फेंकी तो इस सांप ने वो मड़ी दोबारा से दबाई और वापस भग गया यहाँ से, मतलब वापस रेंगता हुआ निकल गया, और मेरी टांगें हमेशा के लिए ख़राब हो गई। मैंने कहा अच्छा, इतना सुनना था। बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर गए और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया। अब ये पति पत्नी हमारे साथ चल रहे थे, चलते चलते आगे कहते हैं अब तुम लोग सीधे निकल जाओ, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, बस इसी दिशा में चलते रहना, दरवाज़ा मिल जाएगा। हमने कहा अच्छा, इसी दिशा में चलते रहें। कहने लगे कहीं पे भी मत रुकना, पीछे से कोई आवाज़ लगाए तो बिल्कुल भी मत सुनना। हमने कहा अच्छा, तो मैंने बच्चों को आगे कर दिया, बच्चे आगे चलते रहे और मैं पीछे चलता रहा, और चलते चलते हमें दो चार आवाज़ें भी सुनाई दी जिसमें कोई बोल रहा था, रुको जरा एक मिनट बात सुन लो हमारी। मैंने इन बच्चों से कहा कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सीधे चलते रहो। चलते चलते मैंने दूर दूर देखा कि वही दरवाजे जहाँ से हमने दोबारा एंटर किया था दोबारा से, वही दरवाजे आ गए हैं, पर ये दरवाजों के रंग थोड़े अलग थे। पर अब ये डर था कि खोलें या ना खोलें। अब दरवाजे के करीब तो आ रहे थे हम लोग। मैंने पहले ही कह दिया अब की बार कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, केवल मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो ये बच्चे मान गए, और मैंने दरवाजे के पास आके, उसमें नीला सा दरवाज़ा था, उस दरवाजे के पास आके मैं खड़ा ही हुआ था। मैं उस दरवाजे को हाथ लगाता तभी ऐसा लगा किसी ने हम चारों को अंदर खींच लिया। तो आगे की स्टोरी मैं आपको अपने 5th पार्ट में सुनाऊंगा। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। नमस्कार।